मेवात के गांव ठेकड़ी में अमन चैन था, ना कभी झगड़ा ना कोई फसाद, प्रेम भाईचारा और परस्पर विश्वास का ऐसा माहौल था कि कुछ हो भी जाए तो बड़े बुजुर्ग उसे शांति पूर्वक निपटा देते थे। लेकिन जब से पंचायत बनी है तब से गांव की स्थिति बदल गई है। अब दावा किया जा रहा है कि 70 साल के इतिहास में पहली बार थाना कचहरी तक झगड़े का एक मामला पहुंचा है। कितना अच्छा लग रहा है इन बच्चों को देखकर जो आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। लेकिन देखिए इस बच्ची को जिसके तीन दांत फरवरी में हुए एक झगड़े में तोड़ डाले गए। यही मामला पंचायती समझौते के बावजूद थाने तक पहुंच गया और इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई। 323, 452 और 341, 506 का पर्चा दर्ज किया गया था। बाकी उसमें जो फ्रैक्चर होने की वजह से डॉक्टर से बाद में राय ली जाएगी, तो राय आई नहीं अभी से, उसमें 325 ऐड हो गया, क्या होता है वो बाद में पता चलेगा। तकरीबन ये 26/2/2018 का मामला है। इसमें बाकी जितने भी मुलजिम थे वो अरेस्ट कर लिए गए, सारे उसी टाइम अरेस्ट कर लिए थे हमने। जितने मुंह उतनी बातें, कोई बच्चों के झगड़े को वजह बता रहा है तो कोई पंचायत चुनाव के बाद दो गुटों के बीच रस्ता कशी को। लेकिन सबने एक मत से एक बात मानी कि ठेकड़ी गांव में हमेशा अमन चैन का डेरा था। ये झगड़ा वो से ना होया, ये झगड़ा तो अपना इनका वो आपसी बालाखन को होया। चुनाव में तो कोई रंजिश नहीं थी, चुनाव बहुत प्यार से हुआ था। उसमें इस पंचायत में 9 मेंबर थे जो निर्विरोधी चुने गए थे। और अगर कोई हुआ भी है तो बच्चों को लेकर या औरतों में होता भी है तो वो तो आपसी तौर पे वैसे ही बैठ कर सुलझा देते थे। थाना तहसील कभी ना तो हुआ, ये तो पहली बार है जो आपके थाना तहसील में एप्लीकेशन या पीछे का रिकॉर्ड उठाकर भी देखोगे तो ये ठेकड़ी ब्लॉक है, जो ये फिरोजपुर झील का ब्लॉक है, इसमें दो ही ऐसे गांव, एक तो ठेकड़ी और एक सोलपुर, जिन गांवों के आदमियों के पास बेकार की बातों के लिए वक्त ही नहीं है। ये 70 साल में पहली पंचायत बनी है, इसमें 70 साल पहले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा छोटा मोटा हुआ भी तो वो दो मतलब बुजुर्गों के बीच में पंचायत में वो वहीं खत्म हो जाता था। और इस बार ये झगड़ा हुआ तो इसमें ये मुकदमा भी पहली बार ही दर्ज हुआ है। ग्रामीणों की मांग पर 2017 में ठेकड़ी और ग्यास नियानबास गांव की एक पंचायत बनी। 28 जून 2017 को यहां चुनाव हुआ। सभी ग्रामीणों ने पूरे उत्साह से वोट डाले, सोचा कि एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन इस चुनाव के बाद गांव में भाईचारे पर संकट आन पड़ा। 70 साल में पहली बार कोई झगड़ा थाने तक पहुंचा। दरअसल सत्ता की ताकत विकास और सौहार्द का माध्यम बने तो स्वर्ण युग आता है, लेकिन जब यही ताकत घमंड और नशे का रूप ले ले तो सबसे पहले भाईचारे को ही खत्म करता है। अब गांव के बड़े बुजुर्गों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वे पहल कर गांव में फिर वही विश्वास और भाईचारे का माहौल बनाएं। टीम फोकस हरियाणा के साथ नूह से AK बघेल की रिपोर्ट।